हेलो दोस्तों, आप सबका जांगड़ा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और अभी ये जून महीने का पार्ट 3 लेके आए हम, और इसमें अभी शुरू करते हैं। और इससे पहले जो अभी आज पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके जनवरी से लेके अभी तक के सभी वीडियो भी देख लें। वो आपके एग्ज़ामों के लिए, जो आप अभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो गए। और ये वीडियो है, आप जो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले, ताकि वो भी आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके और अभी ये, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके और अभी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मालदीव की एक अदालत ने किस पूर्व राष्ट्रपति को पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करने पर 19 महीने जेल की सज़ा सुनाई? वो है मामून अब्दुल गयूम को। ये कौन है? मामून अब्दुल गयम। यह मालदीव की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम को पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करने पर 19 महीने जेल की सज़ा सुनाई है। और जो आपने ये सुना होगा कि 1-2 महीने पहले ही मालदीव में आपातकालीन, जो राष्ट्रीय आपातकालीन भी लगा हुआ था। ओके और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस बैंक को कारोबार वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए 2400 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है? वो है HDFC बैंक। ओके केंद्र सरकार ने HDFC बैंक को कारोबार वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए 2400 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। ओके और अगला क्वेश्चन है, किस देश के एक संघीय न्यायाधीश ने दूरसंचार और केबल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी NTT और मीडिया कंपनी टाइम वार्नर के 5.7 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित सौदे को बिना किसी शर्त के मंजूरी दे दी है? वो दी है अमेरिका ने। ओके और अमेरिका की एक संघीय न्यायाधीश ने दूरसंचार और केबल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी NTT और मीडिया कंपनी टाइम वार्नर के 5.7 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित सौदे को बिना किसी शर्त के मंजूरी दे दी है। ओके और अगला क्वेश्चन है, गावित मुरली कुमार ने गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? वो जीता है स्वर्ण पदक। लंबी दूरी के युवा धावक गावित गावित मुरली कुमार ने लीडन नीदरलैंड में आयोजित गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में पुरुषों के 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ओके और अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देश भर में अगले दो तीन वर्षों में कितने डोपलर रडार जोड़ेगा? वो जोड़ेगा 27। ठीक है 27। भारतीय मौसम विभाग IMD देश भर में अगले दो IMD इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी की ऑर्गेनाइज डी IMD डिपार्टमेंट देश भर में अगले 2-3 वर्षों में 27 डोपलर रडार जोड़ देगा। ओके और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सूचना और संचार प्रतियोगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 का आयोजन होगा? वो होगा नेपाल में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 17 जून से नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुरू होगा। ओके और अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किया सुपर लीग में उपस्थित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन होगी? वो है स्मृति मदाना रहेगी। ये भारतीय महिला क्रिकेट ओपनर स्मृति मदाना इंग्लैंड की महिला लीग की या सुपर लीग में उपस्थित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी होंगी। ओके और अगला क्वेश्चन है, सोयाज 2.1 बी वाहक रॉकेट का उपयोग करके किस देश ने सफलतापूर्वक ग्लोनस M पोजिशनिंग उपग्रह लॉन्च किया? वो किया है रूस ने, लॉन्च किया है ये रूस ने। सोयाज 2.1B वाहक रॉकेट का उपयोग करके सफलतापूर्वक ग्लोनस M पोजिशनिंग उपग्रह लॉन्च किया। ओके और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किए गए एक
अध्ययन के अनुसार समुद्र में कचरे के लिए 10 नदियां जिम्मेदार है। इनमें भारत की कौन सी नदी दूसरे स्थान पर है? वो है गंगा नदी। भारत की इसमें है गंगा नदी। हाल ही में के एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर के समुद्रों में मिल रहे कचरे के लिए 10 नदियां सबसे जिम्मेदार है, और चीन की यांगत्जो नदी इसमें पहले नंबर पे है, जो कि चीन की सबसे लंबी नदी है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है? वो जीता है इवान ड्यूक ने। इवान ड्यूक दक्षिण अमेरिकी देश है जो कोलंबिया में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के उम्मीदवार इवान ड्यूक ने जीत हासिल की है। वे कोलंबिया के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। और मैसेडोनिया ने हाल ही में अपना नाम बदलकर क्या रख दिया? ये रख दिया उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य है। मैसेडोनिया ने हाल ही में अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया रखने की घोषणा की है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत के साथ अपने एक द्वीप पर नौसैनिक परियोजना रद्द करने की घोषणा की? वो की है सेशल्स ने। इसकी करेंसी भी भारत की तरह रुपया ही है। सेशल्स के राष्ट्रपति डेनी फोरे ने असम्पशन द्वीप पर भारत की मदद से सैन्य अड्डा बनाने की परियोजना को रद्द कर दिया है। अब वहाँ पे चीन बनाएगा। किस नासा अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताया? वो जीता है पेगी वेस्टन ने। अंतरिक्ष यात्री पेगी वहिस्टन ने 15 जून 2018 को नासा से सेवानिवृत्ति की घोषणा किया। नासा की एस्ट्रोनोट पेगी वेस्टन ने अमेरिका के सभी अंतरिक्ष यात्रियों में से सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया? वो किया है दिव्या सूर्य देवरा को। यह है दिव्या सूर्य देवरा को। भारतीय मूल के अमेरिकी महिला दिव्या सुब्रायो को अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेसर्स HDFC बैंक लिमिटेड को अधिकतम किस सीमा तक अतिरिक्त शेयर पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? वह है 24,000 करोड़ रुपये की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेसर्स के HDFC बैंक लिमिटेड को अधिकतम 24,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शेयर पूंजी बढ़ाने का मंजूरी दे दी है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने पहले विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? वो किया है वियतनाम में। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 जून 2018 को वियतनाम के हनोई में सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न रक्षा इकाई भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पहले प्रतिनिधि दफ्तर का उद्घाटन किया। और अगला क्वेश्चन है, सोलर चरखा मिशन का पहला चरण निम्न में से कितने क्लस्टर में लॉन्च किया जाएगा? वो किया जाएगा 50 क्लस्टर में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सोलर चरखा मिशन के शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 जून 2018 को नई दिल्ली में इसका शुरुआत करेंगे। और अगला कहें, WHO के मानकों के मुताबिक भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा कितने माइक्रोग्राम तय की गई? वो की है 30 माइक्रोग्राम। WHO के मानकों के मुताबिक भारत के लिए प्रति लीटर उस पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम तय की गई। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में कैंसर के सस्ते उपचार और मरीजों की देखभाल के लिए कैंसर केयर फाउंडेशन शुरू करने का पहला राज्य बन गया? वो है असम सरकार। असम सरकार ने भारत में कैंसर के सस्ते उपचार और मरीजों की देखभाल के लिए कैंसर केयर फाउंडेशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इंडियन काउंसिलिंग फॉर मेडिकल रिसर्च
ने वर्ष 2016 में असम में कैंसर के 31,825 नए मामलों की सूचना दी थी। ओके, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में DEPWD और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत कृत्रिम अंगों के उत्पादन की एक नई इकाई स्थापित की गई है? वो की गई है फरीदाबाद में, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने फरीदाबाद में कृत्रिम अंग बनाने वाली इकाई की आधारशिला रखी है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने व्यवसायों को सरल बनाने के उद्देश्य से बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया? वो किया है पंजाब सरकार ने, व्यवसाय को सरल बनाने के उद्देश्य से बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल की मदद से उद्योगपतियों को विनियामक निकासी और वित्तीय स्वीकृति में सरलता हो जाएगी। ओके, और अगला क्वेश्चन है, RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों हेतु निवेश की सीमा सरकारी प्रतिभूतियों के बचे शेयरों के 20% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? वो की है 30%। ओके, RBI के सरकारी प्रतिभूतियों में FPI के लिए निवेश की सीमा उस सरकारी प्रतिभूति के बचे शेयरों के 20% से बढ़ाकर 30% कर दी है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सरकारी बैंकों के कितने महाप्रबंधों को कार्यकारी निदेशक बनाने की सिफारिश की है? वो की है 22 को। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सरकारी बैंकों के 22 महाप्रबंधों को कार्यकारी निदेशक बनाने की सिफारिश की। दरअसल 2018-19 में सरकारी बैंकों में खाली पदों को लेकर BBI द्वारा योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के बाद ये सिफारिश की गई है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एंटी डोपिंग पर 2018 एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के अंतर सरकारी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है? वह है श्रीलंका। 18 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया में एंटी डोपिंग पर 2018 एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के अंतर सरकारी मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जैसे का तैसा की तर्ज पर $50 अरब के अमेरिकी उत्पादकों पर अतिरिक्त टैरिफ को लागू कर दिया है? वो किया है चीन ने। चीन ने जैसे का तैसा की तर्ज पर $50 अरब के अमेरिकी उत्पादकों पर अतिरिक्त टैरिफ को लागू कर दिया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतनी ही राशि के चीनी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया था। ओके, अब उसके बदले में चीन ने भी लगा दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने नया रायपुर छत्तीसगढ़ में देश के 10वें स्मार्ट सिटी एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया? वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया रायपुर छत्तीसगढ़ में देश के 10वें स्मार्ट सिटी एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में जनजातीय समुदाय हेतु आर्थिक सहयोग और कल्याण को बढ़ाने के लिए कनाडा के क्यूबेक प्रांत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वो किए हैं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जनजातीय समुदाय के लिए आर्थिक सहयोग और कल्याण को बढ़ाने के लिए कनाडा के क्यूबेक प्रांत के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओके, और अगला क्वेश्चन केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता लिंबाराम के लिए कितने लाख रुपए की विशेष वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? वो किया है 5 लाख। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता लिंबाराम के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की विशेष वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? वो है अरविंद सुब्रमण्यम। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
ओके। और अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला ओके अगला क्वेश्चन है, ओडी के सीईओ का क्या नाम है जिसे बर्लिन पुलिस से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया? वह है रूपर्ट स्टैंडलर। जर्मनी की दिग्गज कंपनी, कार कंपनी है जो ओडी के सीईओ है रूपर्ट स्टैंडलर को बर्लिन की पुलिस में गिरफ्तार कर लिया है। स्टैंडलर की गिरफ्तारी डीजल गाड़ियों की प्रदूषण परीक्षा प्रणाली में घोटाले करने के मामले में हुई है। ओके। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गठबंधन सरकार टूट जाने के कारण राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया? वो हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूटने से राजनीतिक संकट पैदा हो गया, जिसके चलते राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया। ओके। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की गई? वो हुई है मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की। ओके। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की है? वो की है अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जून 2018 को पेंटागन को स्पेस फोर्स तैयार करने के आदेश दिए हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? वो है अमेरिका ही। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार की सदस्यता को छोड़ने की घोषणा की है। यह 27 सदस्यों वाली एक परिषद इजराइल विरोधी है। उसने कहा है कि अमेरिका ने आरोप लगाया कि 47 सदस्यों वाली यह परिषद इजराइल विरोधी है। और आपको पता ही होगा कि इजराइल और अमेरिका खास दोस्त हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में पत्रकारों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? वह की है गूगल ने। प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने पत्रकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत वह फर्जी खबरों से निपटान के नए उपायों आदि के बारे में उन्हें अवगत कराएगी। गूगल न्यूज इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क के तहत अंग्रेजी और 6 अन्य भारतीय भाषाओं में 8,000 पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके। और अगला क्वेश्चन है, श्रीलंकाई कप्तान निवेश चांडीमल को आईसीसी ने विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में गेंद की दशा बदलने का दोषी पाए जाने पर कितने टेस्ट मैचों के लिए बैन कर दिया है? वो किया है एक के लिए। श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांडीमल को आईसीसी ने विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में गेंद की दशा बदलने का दोषी पाए जाने के पर एक मैच से बैन कर दिया। ओके। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तय किया है कि वह स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को हर 6 महीने पर 3 साल तक प्रत्येक पेड़ लगाने के लिए ₹50 का भुगतान करेगी? वो किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि वह स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को हर 6 महीने पर 3 साल तक प्रत्येक पेड़ लगाने के लिए ₹50 का भुगतान करेगी। ओके। और अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब निम्न में से किसे जीता है? वो जीता है अनुकृति वास ने। ये कहाँ की है? यह तमिलनाडु की अनुकृति वास ने 19 जून 2018 को फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब जीता। अनुकृति वास ने 29 प्रतियोगिताओं को हरा कर इस खिताब को जीता। ओके। और अगला क्वेश्चन है, किसे आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य संचालन अधिकारी सीईओ के रूप में जून 2018 में नियुक्त किया गया? वो है संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता आईसीआईसीआई बैंक ने बोर्ड की बैठक के बाद मामले में आंतरिक जांच पूरी होने तक चंदा कोचर को छुट्टी पर रहने की घोषणा की है।
इसके साथ ही बैंक ने उसके स्थान पर संदीश बख्शी को अगले 5 साल के लिए बैंक का मुख्य परिचालक अधिकारी सीईओ के रूप में अंतरिक्ष प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु किस प्रौद्योगिकी की कंपनी के साथ साझेदारी की है? वो की है गूगल के साथ। केंद्र सरकार ने 18 जून 2018 को बाढ़ के बेहतर पूर्वानुमान के लिए गूगल से साझेदारी की है। जल संसाधन क्षेत्र में देश के शीर्ष तकनीकी संगठन केंद्रीय जल आयोग ने सर्च इंजन गूगल के साथ यह समझौता किया। ओके, और अगला क्वेश्चन है, पुणे के आर्थिक अपराध शाखा ने किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को डीएसके ग्रुप के लिए 3,000 करोड़ रुपए के मामले में गिरफ्तार किया गया? वो किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पुणे के आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और सीईओ रविंद्र मराठे को डीएसके ग्रुप को दिए जाने वाले 3,000 करोड़ रुपए के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत कौन सा हवाई अड्डा देश का सोमवार नियमित सेवा वाला हवाई अड्डा बन गया? वह पाक्योंग। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे से जल्द ही उड़ान शुरू होने की संभावना तथा उम्मीद है कि यह नियमित उड़ान विमान सेवा वाला देश का सोमवां हवाई अड्डा होगा। ओके, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत के साथ सतत जल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु सहमति व्यक्त की है? वो की है तजाकिस्तान के। ठीक है, तजाकिस्तान, भारत और तजाकिस्तान ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने विशेषकर सतत जल विकास पर सहमति व्यक्त किया। ओके, और अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गांवों को स्टार रैंकिंग दिए जाने की घोषणा की? वो की है हरियाणा ने। हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत 7 स्टार ग्राम पंचायतों रेनबो योजना आरंभ की है। इसके तहत राज्यों की पंचायतों को 7 सामाजिक मानदंडों के आधार पर स्टार रैंकिंग देने का फैसला किया है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों से जुड़ी रिपोर्ट में किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार बताए गए हैं? वो बताए गए हैं रूस के पास। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास सबसे अधिक 6,850 और अमेरिका के पास 6,450 परमाणु शस्त्र मौजूद हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन लोगों को उनके बच्चों से अलग किए जाने की पॉलिसी को विश्व भर के दबाव के चलते बदलने का निर्णय लिया? वो हुआ अवैध प्रवासी का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग न किए जाने के आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान को राज्य का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया? वो किया है सिक्किम सरकार ने। सिक्किम सरकार ने ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान को राज्य का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया। और ओके, और अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को परेशान या अवैध रूप से आकर्षित करने वालों के लिए कितने साल तक की सजा निर्धारित की? वो किया 7 साल की। गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को परेशान या अवैध रूप से आकर्षित करने के कारण करने के लिए 7 साल की सजा निर्धारित की है। ओके, और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 19 जून को। ओके, राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस 19 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर पठन पाठन के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन है, त्रिसेवा इंदर 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होगा? वो होगा रूस के। त्रिसेवा इंदर 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होगा। ओके, और अगला क्वेश्चन है, नरेला वेणु माधवन का हाल ही में निधन हो गया। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वो हैं मिमिक्री, विश्व के प्रसिद्ध मिमिक्री कलाकार हैं ये। ओके, और अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई डिजिटल पहल भारतीय
राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी किस आईआईटी संस्थान के द्वारा विकसित की गई? वो की है आईआईटी खड़गपुर के। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय पठन पाठन के मौके पर आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी नामक नई डिजिटल पहल की है। ओके ओके दोस्तों, ये था जून महीने का पार्ट थर्ड, और जल्द ही इस महीने के एंड में हमारा चौथा पार्ट भी आएगा। और जिस को भी ये पसंद आया वो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।